महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है हर रोज कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है राज्य के कुछ जिलों में सरकार ने सख्ती कर दी है नागपुर में होली उन्तीस मार्च आरोप बाजार होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे सब्जी मटन चिकन आदि जैसी आवश्यक चीजों की दुकानों को दोपहर एक बजे तक खोलने अनुमति दी जाएगी बता दें की अट्ठाईस माइनस उनतीस मार्च को लोगों के इकट्ठा होने और उत्सव मनाने की अनुमति नहीं होगी पिछले चौबीस घंटे में करीब छत्तीस लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं तो सौ ऐसी अधिक की जान चली गई है देश की आर्थिक राजधानी में भी संक्रमण बेकाबू हो चुका है यहाँ लगातार दूसरे दिन पाँच हजार अधिक केस मिले हैं ये आंकड़े कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सर्वाधिक है बता दें की महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से आज कोई अहम फैसला हो सकता है सीएम उद्धव ठाकरे ने आज राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है इस बैठक में वो राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा करेंगे सभी जिलों ऐसी रिपोर्ट लेने और बंदिशों आरोप सुझाव के बाद सीएम उद्धव ठाकरे की ओर ऐसी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है पूरे राज्य में कम्प्लीट लॉकडाउन की उम्मीदें कम ही है लेकिन सख्ती में इजाफा किया जा सकता है और कई जिलों में लॉकडाउन लग सकता है